बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्याम सुंदर श्री मणि महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को पहले किसने किया और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस बार एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी और किस देवता का पूजन होता है और तथा उसका क्या विधान है, वह आप कृपा पूर्वक बताइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों को नाश करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरी नाम का राजा राज किया करता था। राजा पुंडरिक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराए, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में परांगत गंधर्व, स्त्री पुरुष आदि और अति प्रसन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरिक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियंतमा और प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरिक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का पालन और फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरिक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रतीत होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं दो दो योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथा दुख से व्यथित हो उठी और वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, किस जतन में से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्ति कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पापों करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालात देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई और उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं विरंधवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरिक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है, उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ।
हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा और श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। हे अर्जुन, इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि के पाप और राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्मा के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कथा सार, प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे और यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्व से विमुख कर देता है और जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर निंदित कर्म किए और कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरणे की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। जगतगुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।